हेलो, ये मेरे से बदतमीजी की बात आप नहीं है। बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। बदतमीजी हेलो, आप कर रहे हैं मुझसे। जब जब तुमने मैंने तुमसे कहा है। हेलो, सारे एक सेकंड आप होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। पहले मेरी सुनिए, से क्या पूछा था आपने, जवाब क्या दिया? उन्हें तलाक चाहिए, तलाक ले लेते हैं। तलाक की बात नहीं है, तलाक की बात है। तो उसे पूछो ना मैरिज काउंसलर से। क्या पूछूं मैं? हेलो, मुझे आपके मुंह नहीं लगना, मेरे को भी नहीं लगना। आप कैसे बेकार की बातें कर रहे हो? आपने मेरे को बात करने दो, मेरे को बात करने दो। हेलो 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 मोहन जी, सॉरी, देखिए ये हर घर में लगा रहता है, लेकिन आज ज्यादा सर से ऊपर चढ़ा गया पानी। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हो? मोहन जी, आई एम सो सॉरी, हमें मालूम है आप मैरिज काउंसलर हो, हर मियां बीवी में झगड़े लगे रहते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात को लेके झगड़े करना यार, लड़ नहीं रहे, अब बात करने दो। ये मेरी वाइफ है सविता, यहीं पे, इसने मेरे से पूछा सिंपल, कह रही है डार्लिंग मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, कि अगर मैं यानी कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी सास पे टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? बस मैंने जवाब दे दिया, उसमें भड़क रही है ये मेरे भाई साहब, आपने जवाब क्या दिया था ये तो बताओ। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, इसने मेरे को बोला कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास पे अगर टाइगर हमला कर दे, सबसे पहले किसको बचाओगे? ठीक है, फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा टाइगर को, 1400 कुछ थे, अभी ऊपर वाले की कृपा से बढ़ गए थे बीच में, मैंने कहा एक और कम हो रहा है, मैंने कह दिया टाइगर को, उस पे ऐसे भड़क रही है, बकवास कर रही है, फिर मेरे से कह रही है कि हेलो गौतम सहनी साहब। हाँ जी सर, आपके 2 मिनट दे सकता हूँ? बिकॉज सर अभी इलेक्शन से पहले सारे दिल्ली में जितने भी ट्रांसपोर्ट को लेके परेशानी है सर, उनसे रिलेटेड मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ। सर हमें पता चला कल आपने दिल्ली में ऑटो से ट्रैवल किया था, तो एक रिमार्क बुक है सर मेरे पास, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं थोड़ा सा ये रिमार्क आपसे पूछना चाहता हूँ सर। ऑटो सही चल रहा था या किसी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी तो नहीं हुई थी सर? नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट तो नहीं करी है, किस बात के लिए? नहीं नहीं, कंप्लेंट आपने नहीं करी है सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर जितने भी लोग ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं, हम उन सभी लोगों से पता कर रहे हैं कि भाई ऑटो सही चल रहा है या नहीं है। तो जब मुझे किसी ने बताया, आपकी कोई जानकार है, मैं इनका नाम क्या था, सुमन अंकित जी ने मेरे को आपका नंबर दिया था, और ये कहा था कि इन्होंने भी ऑटो से कल गए हैं। सर थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए, मैं आपके 1 मिनट लेना चाहूँगा, ये सभी के आसानी के लिए, ये दिल्ली वालों के लिए ठीक रहता है। सर कहाँ से आपने ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने तो कोई कंप्लेंट करी नहीं, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, कंप्लेंट की बात ही नहीं है सर, मैं जनरली ये फीडबैक फॉर्म भरना चाह रहा हूँ सर, मुझे ये सिर्फ बता दीजिए आपने कहाँ से ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने मयूर विहार से ऑटो पकड़ा था। मयूर विहार से, और कहाँ तक गए थे सर? लक्ष्मीनगर तक। सर मैं जान सकता हूँ ऑटो वाले की स्पीड ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल स्पीड जो उनकी रहती है, कंट्रोल है, वही स्पीड थी। सर मीटर से गया था ऑटो वाला? हाँ मीटर से गया था। सर कोई ऐसी चीज आपने देखी हो जिसमें ब्रेक व्रेक उसने सही लगाई हो? नहीं, या कोई? नहीं, उसने एकदम सही चलाया था ऑटो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो बढ़िया गाने चला था, वो ला रहा था गाने, सुना था वो। अच्छा। और अल्ताफ राजा की सीडी लगा रखी थी, और अल्ताफ राजा का फैन था शायद? नहीं सर, अल्ताफ राजा का फैन नहीं था वो। अरे नहीं नहीं, मुझे तो यही लगा था, वो पूरे रास्ते अल्ताफ राजा के गाने सुना था। नहीं सर, अल्ताफ राजा का फैन नहीं था सर वो, फिर अल्ताफ राजा ही था सर वो। एक बार दोबारा बैठ, मैं देख लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।